जी आईपीएल में हो क्या रहा है आजकल? राजस्थान चेन्नई को हरा देती है और आरसीबी राजस्थान को हरा देती है और आरसीबी को केके हरा देती है। तो ये क्या साइकिल चल रही है मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि चेन्नई की टीम बहुत स्ट्रांग थी और बहुत अच्छा उन्होंने शुरुआत भी की थी। कि पहले भी मानता हूँ कि राजस्थान के ओपनिंग पार्टनर्स भी अच्छी हुई थी बटलर और जायसवाल के बीच में, लेकिन उसके बाद चेन्नई सुपर किंग वापसी करती है और 146 पे 4 विकेट भी कर देती है, जिसमें संजू सैमसन और हिटमायर का विकेट होता है और बटलर भी विकेट हो जाता है, तो चेन्नई वापसी कर लेती है। लेकिन चेन्नई भी नहीं पता होता है कि ये ध्रुव जुरेल का आना चेन्नई के लिए थोड़ा दिक्कत क्या होगी। देवदत्त पड़ेकर मेरा ठीक ठाक लगे, वो ना चेन्नई के लिए ज़्यादा अच्छा खेल लेते ना राजस्थान के लिए खेले, पीछे खेल लेते, लेकिन जो बैटिंग ध्रुव जुरेल ने करती ना, जो 34 रन बना दिए उन्होंने 15 गेंदों पर, वो चेन्नई को ज़्यादा हर्ट की, क्योंकि चेन्नई को लग रहा था कि हमें 190 180 185 तक रोक देंगे। ध्रुव जुरेल की बैटिंग के बाद ये स्कोर 200 पहुँच गया और आप देखिएगा कि ये 200 रन का स्कोर हो जाता ना टीम का, तो ये सब चेज हो जाते हैं आईपीएल में। लेकिन जो टीम चेज कर रही होती है उस पर एक मेंटल दबाव होता है कि हमें 10 रन का रन लेके चलना होता है। और आप चेन्नई का बैटिंग देखिए, सिर्फ ऋतुराज गायकवाड़ के अलावा टॉप ऑर्डर का कोई बल्लेबाज अच्छे स्टैंडर्ड से बैटिंग नहीं कर रहा था, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ बढ़िया लग रहे थे तो वो आउट हो गए। लेकिन आप देखिए पूरी टीम का क्या है, क्या होता था कि अजिंक्य रहाणे अपनी तूफानी बैटिंग की वजह से चेन्नई को अच्छे मोड पर ला देते हैं, इस बार वो थोड़े एंकर बन गए और जिस चक्कर में दबाव ऋतुराज गायकवाड़ और बाकी सब प्लेयर पे आया। लेकिन देखिए जैसे अजिंक्य रहाणे आ गए, अश्विन ने एक ओवर में 2 विकेट ले लिए जिसमें अमरदीप रायडू का विकेट भी था, अगर अमरदीप रायडू थोड़ा चल जाते तो हो सकता था मैच और करीब जाता, पर मैं कहूँगा शिवम दुबे ने थोड़ा डिसपॉइंट किया, थोड़े से आप स्लो हो गए, जैसे 50 के करीब आया शिवम दुबे वो थोड़े स्लो होते गए। उसी हिसाब से देखिए मोइन अली अच्छे प्लेयर हैं, पर मोइन अली को समझना पड़ेगा कि उन्हें मैच फिनिश करके आना है। और धोनी ऊपर क्यों नहीं आ रहे, मेरा सिर बग गया कि धोनी आपको क्या, धोनी आप इतने बढ़िया फॉर्म में लग रहे हैं, अगर 15 गेंद में अगर देखिए 15 गेंद में 30 रन आए थे जडेजा ने, अगर 15 गेंद में अगर धोनी को मिल जाती मेरे हिसाब से धोनी कम से कम 30 रन तो 30 से 35 रन तो कम से कम बनाते, क्योंकि आप देखिए राजस्थान की डेथ बॉलिंग समस्या रही है और उन्होंने चेन्नई वालों में उसका फायदा नहीं उठा पाया। और जडेजा और मोइन ने 27 गेंदों में 46 रन बनाए, अब आप इन दोनों प्लेयरों के रन काउंट कर लें, अगर 46 रन आए 27 गेंदों पर, अगर ये गेंद धोनी को लग 27 गेंद तो धोनी 27 गेंद में मेरे हिसाब से 60 रन या 55 रन तो बना ही देते, तो और उसका फ़ायदा मिलता है शिवम दुबे को क्योंकि उन पर प्रेशर कम आता, तो ये गलतियाँ हुई हैं। तो चेन्नई को थोड़ा और ध्यान देना पड़ेगा कि वो किस हिसाब से अब आईपीएल के मैचों को देखेंगे। पर आज का मैच हम बात कर लेते हैं लखनऊ वर्सेस पंजाब का। लखनऊ की टीम ने पिछला मैच जिस प्रकार से आया आज भी उस पर रिसर्च बैठी है नासा में, कि नासा वाले सोच रहे हैं कि ये कैसा हो सकता था। पंजाब किंग्स भी थोड़ी समस्या रही है और मेरे हिसाब से उन्हें धोनी को वापस लाना पड़ेगा क्योंकि बैटिंग की थोड़ी समस्या रही है टॉप ऑर्डर उनका। तो मेरे हिसाब से वाला मैच लखनऊ जीतेगी क्योंकि वो क्योंकि उनकी पिच खराब थी लखनऊ वाले की, मैंने वो लखनऊ वाले कुछ पैसे दे रहे थे और पिच को बढ़िया बनवाए, जी इतनी खराब पिच पर मैच खिलवा के अपनी टीम को भी बदनाम कर रहे हैं, अपने प्लेयर को बदनाम कर रहे हैं। तो अगर पिच अच्छी बनेगी, बैटिंग फ्रेंडली पिच बनेगी लखनऊ की तो अच्छा रहेगा, लेकिन यहाँ मैच पंजाब में है तो पंजाब की मोहाली पिच बैटिंग भी ज़्यादा अच्छी रहती है, तो मैच देखने का मजा आएगा। तो आप भी अपने बताइए क्या क्या हुआ, चेन्नई क्यों हारी मैच में, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना ना भूलें। और मैं आपको इंस्टाग्राम में भी जाऊँगा, इंस्टाग्राम में फॉलो जरूर करें मुझे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो जय हिंद जय भारत।